जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। जब जब माँ भारती की आवश्यकता रही है, जब जब माँ भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ा। भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर है, कोई नाटक गृह तो है नहीं। और आज मैंने सुना उन्होंने भी मार्च निकाला, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने आके ये कहना चाहिए था इस लोकतंत्र के मंदिर में संविधान के खिलाफ हमने जो हरकतें की है वो हम नहीं करना चाहते, हमारे से गलती हो गई, हमें माफ करिए। और इस अपमान का बदला ये देश इनसे लेगा, ये राहुल गांधी हो या उनके अलायंस के लोग हो, अब ये देश उनको बताएगा, आपको औकात बता करके ले। ये हमारे अधिकारों पर हमला नहीं, हम तो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, ये इस देश के प्रजातंत्र पर हमला बोला गया है, इस देश के संविधान पर हमला बोला गया है। तो संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। इस पूरे सत्र में 2024 की सियासी आर पार की झांकी भी दिखाई दी। एक तरफ विपक्ष पहले संसद में सेंधमारी को लेकर हंगामे पर अड़ा रहा, तो वहीं विपक्षी सांसदों का निलंबन शुरू हुआ तो हंगामा और बढ़ गया। फिर कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति को लेकर जो मिमिक्री की उसे सत्ता पक्ष ने हथियार बना लिया और विपक्ष को घेर लिया। सुरक्षा में चूक पर विपक्ष का हंगामा और निलंबन जारी। आज भी डीके सुरेश, दीपक वैज सस्पेंड हुए, नकुल नाथ भी। अब तक 146 विपक्षी सदस्यों को बाहर का रास्ता, सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया। 3 और सांसद निलंबित हुए। सस्पेंशन बारी बारी और उस पर सियासत भी जारी है। दरअसल हंगामे को अगर हम समझे तो ये देखिए, तारीख देखिए, 4 दिसंबर को सत्र की शुरुआत हुई, 5 दिसंबर को याद होगा आपको गौमूत्र वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हुआ था, फिर इसके बाद तारीख आती है 8 महुआ, तब उनका निष्कासन हुआ था, और 13 दिसंबर जब संसद में सेंधमारी हुई और फिर उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। 14 दिसंबर 14 सांसद सस्पेंड होते हैं, फिर तारीख आती है 15 दिसंबर 78 सांसद सस्पेंड होते हैं, 19 दिसंबर तारीख आती है तब 49 सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, 20 दिसंबर आता है 2 सांसद सस्पेंड होते हैं, और फिर 21 दिसंबर 3 और सांसद सस्पेंड। कुल मिलाकर सत्र 21 तारीख को समाप्त हो गया, मगर सस्पेंशन का सिलसिला जो चला वो थमा नहीं। अब कौन कौन से विधेयक पास हुए वो भी समझिए, ये आपके सामने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल दोनों सदनों में पास, भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में पास। अब इसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो भी लोकसभा में पास, और भारतीय साक्ष्य बिल लोकसभा में पास। ये विधेयक अगर बिना विपक्ष के पास होते हैं तो भी सवाल खड़ा होता है। अब सांसदों के निलंबन का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए आप 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 सांसद, राज्यसभा का 1 सांसद बाहर, फिर तारीख आती है 18 दिसंबर लोकसभा के 33 राज्यसभा के 45, फिर इसके बाद तारीख आती है 19 दिसंबर लोकसभा के 49 और राज्यसभा का
शून्य, यानी कि उस वक्त राज्यसभा का कोई भी सांसद सस्पेंड नहीं हुआ था 19 तारीख को। फिर इसके बाद 20 तारीख आती है लोकसभा के दो और सांसद, और फिर उसके बाद राज्यसभा का एक सांसद उसी 20 तारीख को निलंबित होता है। फिर 21 तारीख को लोकसभा के भी तीन सांसदों को निलंबित किया जाता है उनके आचरण की वजह से। यानी कुल मिलाकर अगर आप आंकड़े को देखेंगे और समझेंगे तो 146 सांसदों पर गाज गिरी है, लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46, कुल हो गए 146। अब इस पूरे सियासी मुद्दे पर सियासी तकरार भी है, कुछ राजनीतिक बयान है, वो बयान आप सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि यह शीत सत्र में जो शीत युद्ध हुआ, क्या यह 24 पर सियासी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहले यह बयान सुनिए। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, उस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जवाब देना चाहिए गृहमंत्री जी को। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं, इसलिए आगाह करते हैं जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। 150 एमसीज को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही दीवान थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए। लोकतंत्र का मंदिर है, कोई नाटक गृह तो है नहीं, और आज मैंने सुना उन्होंने भी मार्च निकाला, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने आके ये कहना चाहिए था इस लोकतंत्र के मंदिर में संविधान के खिलाफ हमने जो हरकतें की है वो हम नहीं करना चाहते, हमारे से गलती होगी, हमें माफ करिए, हमसे नहीं माफी मांगे, आप आदरणीय राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी से माफी मांगे। घर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। और इस अपमान का बदला ये देश इनसे लेगा, ये राहुल गांधी हो या उनके अलायंस के लोग हो, अब ये देश उनको बताएगा कि आपकी इस कृत्य का बदला देश आपको आपको औकात बता करके लेगा। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। तो शीत सत्र में सियासी शीत युद्ध जारी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे साथ हैं, जेबा खान जी कांग्रेस का तेजतर्रार चेहरा हमारे साथ, तारिक जी तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, और साथ ही परमवीर जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा अनीता अग्रवाल जी, तो निलंबन का सिलसिला जो शुरू हुआ वो थमने का नाम ले लिया, सत्र खत्म हो गया लेकिन निलंबन खत्म नहीं हुआ। अनीता जी तो विपक्ष विहीन संसद नहीं, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आपको शायद याद होगा 1989 में भी निलंबन हुए, काफी निलंबन हुए थे 69-68 तक। लेकिन अब ये बताइए कि जब ये इस तरह से पहले ही कह दिया, मतलब कांग्रेस को फॉलो कर रही हैं आप? नहीं नहीं, कांग्रेस को फॉलो नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात, जब लोकसभा निर्देश में गए थे कहा था ना पट्टियां लेकर नहीं आना है, अगर आपसे चर्चा करिए ना, हम जो कुछ कह रहे हैं वो आप बात चर्चा करिए, लेकिन आप चर्चा ना करके हंगामा करते हैं। हंगामा करना मकसद है, अनुशासनहीनता करना मकसद है, तो आप ये बताइए अनुशासनहीनता कब तक बर्दाश्त की जाएगी? वो संसद लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, एक तरह से हम लोग उसको, मंदिर में आप अनुशासनहीनता करिए, मंदिर में आप अपमान करिए लोगों का, ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। अरे आप जनता के सुने तो, दो हजार चौदह से पहले सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी क्या संसद का अपमान करते थे जब नेता के विपक्ष के चेहरे थे?
नहीं नहीं आप बात नहीं करते, वो अपनी बात को करते थे, चर्चा करते थे, देखे कि आप भी चर्चा करिए ना, आप चर्चा तो करते नहीं, आप हंगामा करते हैं, आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं, जब कोई बात होती है आप उसे अपना हंगामा करते हैं। अच्छा, ये निलंबन वाला मसला जो है वो अपमान वाले मसले में आप पीछे छूट गया नहीं अनिता जी, कि जनता निलंबन पर चर्चा करे या बात अपमान पर ले आए आप? आप ऐसा एक बार बताइए, आपको नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है? आपको नहीं लगता कि एक वर्ग का अपमान हुआ है इस तरह से? और फिर राहुल गांधी जैसे नेता उसकी वीडियो बना रहे हैं। अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने क्योंकि मुझसे पूछा, आपको नहीं लगा ये गलत हुआ कि उपसभापति की मिमिक्री हुई? ये गलत हुआ, आपने मुझसे पूछा, लेकिन एक सवाल और भी है मेरा इसके साथ, उसका उत्तर दे दीजिएगा। इसमें किसान और जाट का अपमान कैसे हुआ? क्यों? एक बार बताइए कि हमारा अपना व्यक्तिगत परिचय कुछ नहीं है, हम अगर आज किसी पद पे है, मानो भाजपा के प्रवक्ता है, तो क्या मनीषा अग्रवाल नहीं, तो आप नहीं तो है? आप तो संविधान की शपथ लेते हैं ना, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। देखिए शपथ लेते तो फिर जाट वाली और किसान वाली बात कहां से आई? सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो हर व्यक्ति की होती नहीं, तो है, सेल्फ होती है। ना ना सेल्फ रिस्पेक्ट, आप सभापति हैं। नहीं नहीं आप सभापति हैं। हाँ देखिए एक बात, तेरा जी अब सभापति है मान लो, हम राष्ट्रपति है मान लो, लेकिन हम एक क्या कहते हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी भी तो है ना। नहीं, सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, सबसे बड़ी जाति तो ना ना सबसे बड़ी जाति तो युवा है, सबसे बड़ी जाति तो गरीब है, देश के प्रधानमंत्री तो यही कहते हैं, तो फिर ये जात वाली बात कहाँ से आ गई? सबसे बड़ी जाति किसान भी है। हाँ जी, किसान भी है, तो किसान 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 और किसान नहीं आते, तो किसान नहीं आते, क्या? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं इसलिए इसलिए जो है वो किसान में नहीं आते क्या? अच्छा, इसमें किसान का अपमान कैसे हुआ? जेबा जी, मैं बहस, एक मिनट प्लीज, जेबा जी मैं आपके पास आऊंगा तो आपको पूरा मौका दूंगा। जेबा जी एक मिनट रुकिए, जेबा जी आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको, ऑडियो नीचे रहेगा अभी जेबा जी का। जेबा जी ऐसे नहीं, आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त आपको लूंगा, जैसे अभी अनिता मैडम को पूरा वक्त मिल रहा है। एक मिनट अनिता जी, अपनी बात पूरी करिए, तो ये जाट और किसानों का अपमान कैसे हुआ? अभी आपने कहा सबसे बड़ी जाति महिला है, युवा है, गरीब है। मैंने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, कहा ये जाति का जनगणना वाला मसला पीछे, पहले ये जाति। हाँ हाँ, तो जाति के, तो फिर उपसभापति कह रहे हैं कि मेरी जाति जाट और नहीं है, किसान किसान भी, किसान का बेटा, मैं किसान भी हूँ, जाट भी हूँ, मेरे सब। आपने आप देखिए, आप अगर एक उपराष्ट्रपति की बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, उसे तो कहा ही जाएगा। जेबा जी, अब जेबा जी, एक मिनट अब जेबा जी आपके पास जाएगा, और राहुल जैसे नेता उसके वीडियो बना रहे हैं। ओके अनिता जी, एक मिनट, हाँ जेबा खान, एक बात, आप उसको उत्साह, एक मिनट अनिता जी, आप जेबा जी बोलेंगे। जेबा जी एक बात बताइए, इतना बड़ा मुद्दा था निलंबन का, एक के बाद एक सांसदों का निलंबन, आपके लिए तो जैसे गुलदस्ता मिला था आपको, और एक पूरे विवाद ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। नहीं चावला जी, चावला जी, मैं पहले 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 एक बात बोलना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। आज किसानों की याद आ गई, जब दिल्ली की सरहदों पर किसान 13 महीने बैठे थे और 700 किसान शहीद हुए थे, तब किसानों की याद नहीं आई थी? और जब पार्लियामेंट में ही शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो एक भी भाजपा का एमपी नहीं उठा था उनके सम्मान में। और किसान और जातों की याद आ रही है, शर्माती है इन्हें, इनका दोहरा चरित्र है, कथनी और करनी में फर्क है। साक्षी मलिक देश की बेटी नहीं थी क्या? आज उसने कुश्ती छोड़ दिया, दिल्ली के जंतर मंतर पर धक्के मार कर निकाला गया वो बेटियों को जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। जेबा जी, करनी में फर्क है। जेबा जी, मैंने पूछा कि ये एक मुद्दे ने कहीं ना कहीं ऐसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना दिया अपमान को? बिल्कुल बना दिया, क्योंकि सवालों का जवाब देने से भाजपा डरती है, इसलिए मिमिक्री के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लेकिन अच्छा, तो फिर मैं आपको एक मौका देता हूँ। जेबा जी आप बोलिए, जो किया सांसद ने बिल्कुल जायज किया, बहुत बढ़िया किया, बोलिए क्या क्या, किस बारे में? जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया वो बोलिए बहुत बढ़िया किया, बोलिए गलत हुआ, लेकिन आप कह रहे हो गलत हुआ, एक तरफ कह रहे हो गलत हुआ और एक तरफ कह रहे हो। चर्चा का विषय यहाँ पर ये होना चाहिए कि हमारे 146
सांसद जो है बर्खास्त कर दिए गए। ये मौका आपने खोया मैडम, ये मौका आपने खोया, मैं वही तो बात कह रहा हूँ आपसे, ये मौका तो आप ही ने खो दिया ना। अगर मिमिक्री बना तो मजाक तो मजबूरी में करना पड़ा। अच्छा मजबूरी में किया, अच्छा मजबूरी में किसी का मजाक उड़ाते हैं। उसी पार्लियामेंट में जब गाली दी जा रही थी भाजपा के एमपी के द्वारा तो उसे तो ठीक। अनिता जी जल्दी से, फिर मैं तारिक जी और परमवीर जी के पास जा रहा हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि एक मिनट बने हुए हैं और जब दानिश ओके सेवा जी एक मिनट रुक जाइए ना, क्यों बर्खास्त नहीं, सेवा जी एक मिनट रुक जाइए, दोहरी चरित्र है। एक मिनट सेवा जी एक मिनट, अभी मैं तारिक भाई के पास भी जाऊंगा, सुन लीजिएगा अच्छा बोलते हैं। एक मिनट पहले अनिता जी अपनी बात पूरी करिए। ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी इन्होंने देखिए यहाँ पे भी इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये हंगामा, चाहे डिबेट हो, चाहे सदन हो, चाहे संसद हो, इनका मकसद केवल है हंगामा करो, क्योंकि इनका मुद्दे तो होते नहीं है ना, ये मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। जो हम लोग कोई मुद्दा लेंगे उसको बात नहीं करेंगे ना, ये लोग उनके पास अपने पास कोई मुद्दा होता है, क्या हंगामा कर दो और किसी तरीके से यहाँ पे ऐसा काम कर दो कि सदन चले ही ना। ये इनकी पुरानी आंख है, इतने साल ही साल देखिए यही चल रहा है। ऐसा इन्होंने विपक्षी राजनीति कभी की तो है नहीं, हमेशा पक्ष में रहे हैं। अब इनको विपक्षी राजनीति समझ में नहीं आती, करे कैसे, इसलिए ये सारा हंगामे होते हैं। और आज डिबेट में भी हंगामा करना शुरू कर दिया। अरे आप डिबेट कर रहे हो, चर्चा कर रहे हैं, हम अगर जो कह रहे हैं तो आप सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आपको बीच में हंगामा करना है, अरे भैया हंगामा मत करिए, बात रखिए, हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात आराम से रखिए, इसका हंगामा मत करिए। और आप कह रहे हैं मजबूरी में क्या, अरे मजबूरी में कोई किसी का मजाक बनाता है क्या? आप मजबूरी में मजाक बनाएगा, कैसी बातें कर ऐसी मजाक। और फिर आपके नेता, आप वही बातें हम दो गई, इससे बड़ा आपके नेता राहुल गांधी जी को आप कहते हो, वो वीडियो बना रहे हैं। अरे उनको तो मना करना चाहिए, क्या कर रहे हो भाई, मत करो, उसका और बड़प्पन दिखता उसमें। एक मिनट, एक छोटी सी थ्योरी देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर मैं तारिक जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, इस कहानी का यही पता चलता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था अनिता जी, आप क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी पत्रकारों में से एक हैं, मुझे एक बात बताइएगा, एक सांसद जो है उनके संसदीय क्षेत्र में वो कितने आवाम की जो है प्रतिनिधित्व करता है, एक सांसद? एक सांसद काफी, कम से कम लाखों की करता है, उनकी एक संसदीय में लाखों। आप जानते मैंने ये सवाल क्यों पूछा? जी हाँ, करीब 15 लाख का नेतृत्व एक सांसद करता है, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ठीक। आपने 144, इस आंकड़े को समझिएगा, 144 से 146 सांसदों को आपने अगर निलंबित कर दिया तो कुल मिलाकर यह संख्या हो जाती है 21 करोड़ के पार, ठीक है। सोचिए कि सदन के भीतर वो 21 करोड़ की नुमाइंदगी खत्म हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कितना गंभीर विषय है। आपकी बात, हम आपकी बात को समझ रहे हैं जी, और आप हमारी बात को भी समझिए जी। जब एक हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी हम पूजा करते हैं मैडम, बिना बिना विपक्ष के अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, लोकसभा उसका बिल जनता के हित के लिए पास हो रहा है मैडम, जनता की नुमाइंदगी करने वाले उस सदन में है ही नहीं। आप दो तिहाई बहुमत जब आपका है, अगर 50% सांसद संसद के भीतर ना हो, वो निलंबित हो, तो फिर संसद का महत्व क्या रह गया? फिर आप एक बात बताइए कि आप सोचते ना, हंगामा करिए, अपमान करिए, आप गाली गलौज करिए, आप माइक उठा के फेंके, ठीक ओके। तारिक जी, अब मैं तारिक जी को पूरा वक्त दे रहा हूँ, ओके ओके। नंबर नहीं करना चाहिए तारिक जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले भी काफी सांसदों का नंबर हो चुका है, ठीक है ओके। आपने कहा पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है ओके। तारिक जी एक बात बताइए, आपसे थोड़ा सवाल हटके है, इस पूरे मसले को इन्होंने जोड़ दिया जाट और किसान से, ठीक, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, और आपका राजनीतिक वजूद और आपके सहयोगी वहीं से RLD, आपको क्या लगता है कि ये असर मुद्दा डालेगा वहां पर कि नहीं? धनखड़ ने खुद को बता दिया कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं किसान हूं, और उनका मजाक उड़ गया, तो ये बहुत बड़ी एक इमोशनल बात है, बड़ी अजीब बात है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में ये लोग करना क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं कि कोई जाति नहीं, किसान मजदूर महिला यही चार पांच जातियां हैं,
फिर ये लोग कौन है? धनकल कहां से जाट हो गए? किसान हो सकते हैं? चलिए भाई, वो तो उनकी जो प्रधानमंत्री ने चार जाति बताई उसमें आग। और कौन सी ये खेती किसानी करते हैं ये बताइए? काश्तकार हैं क्या? कितने बीघे के हैं काश्तकार? इतनी टाइम हल पकड़े हैं कभी? अगर पूछ लीजिए कि कितनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं तो धनकर बता नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं, टाइप ऑफ क्रॉप देहाती भाषा में, जो ये वेस्टर्न यूपी और जुड़ा हुआ इनके स्टेट का एरिया है, ये पूरा जाटों का एरिया, इसमें हरियाणा और पंजाब का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, राजस्थान का इलाका, बहुत सी स्टेट का इलाका है, नहीं बता पाएंगे। किसान बताने लगे अपने कि मैं किसान की बेइज्जती कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर है, वो जादू करके पता नहीं क्या क्या कर देता। तो अशोक गहलोत ओबीसी है, पूरे ओबीसी की बेइज्जती हुई, पूरे ओबीसी की बेइज्जती हुई। जब भी आप अखिलेश यादव को कुछ कहेंगे इसका मतलब है कि आपने यादव समाज को बेइज्जत कर दिया। और वो नाटक है आपका जो आपने मध्य प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बनाया यादव, ये क्या है? करना क्या चाहते हो आप लोग? जब हम कुछ कहते हैं कि उस जाति के आदमी के साथ ऐसा करना है तो आप कहते हो ये जाति लेके आते हैं। आपने खुद गाइड किया, मैं बता रहा हूं, मैं इस बात को बिल्कुल प्रूफ। आप हर मुद्दे को जाति से नहीं जोड़ते। मैं कह रहा हूं उनको गाइड किया गया था धनखड़ को कि इसको जाति से जोड़कर आप प्रेजेंट करिए, ये मैं बताना। मैंने तारिक जी आपसे पूछा, आप जाति की बात नहीं करते हो क्या? करते हैं, तो खुल के कहते हैं आरक्षण जाति। तो आप बोलिए ना, ये मत बोलिए कि हम जाति की बात नहीं करते, आप भी करते हैं। हम तो करते हैं, हम तो जाति के हिसाब से आरक्षण मांग रहे हैं। हम नहीं मानते कि बैकवर्डनेस के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से होना चाहिए, प्रधानमंत्री ये सब कहते हैं। हम तो कहते हैं जाति के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, जातिगत जनगणना कराइए। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी तो सत्ता है नहीं आपके हाथ में, अपनी पार्टी में ही लागू करवा दीजिए। रोहिणी आयोग का नाटक क्यों? नहीं, आप अपनी पार्टी में ही लागू करवा दीजिए ना। नहीं, कैसे लागू कराएं? फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला तो आपके पास होना चाहिए ना, आप कह रहे हो ना हमारे पास है तैयार फॉर्मूला। हाँ, तो वो आप अपनी पार्टी में एक बार लागू करवा दीजिए सबके सामने। उदाहरण कह रहे हैं बिल्कुल, जातिगत जनगणना हो हम करा देंगे अपनी पार्टी में लागू। अपनी पार्टी में लागू कराने में हम पीछे कहाँ हैं? नहीं तो करवा दीजिए ना सर, ये कर देगा अनिता अग्रवाल जी, ये तो नहीं कहेंगे कि सब कुछ यादव के पास चला गया। कल सवेरे अखिलेश यादव साहब के सामने जाके रख देते कि पहले यहाँ करा। आप रख दीजिए सर, हो सकता है, क्या पता हो भी जाए। आप गारंटी लेते हैं ये लोग मानेंगे भाजपा वाले उसके बाद? नहीं, मैं कौन हूं तो गारंटी लेने वाला सर। तो आप क्यों सवाल पूछ रहे फिर? क्यों सवाल पूछ रहे, कहा क्या मेरा सर? सवाल तो पूछूंगा। तो सवाल आपका अजीब नहीं, अजीब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी में लागू करवा दीजिए ना, सवाल से दिक्कत हो रही है आपको। मैंने अपने अंदर किया, भाजपा से हाँ कराई है, जिस टाइम समाजवादी अपने अंदर। तारिक जी, मैं हाँ और ना करवाने वालों में नहीं हूँ। अरे भाई, तो अगर आपने आरक्षण की बात की है तो मैं सवाल आप ही से पूछूंगा ना आरक्षण का, या मैं सवाल अनिता जी से पूछ लूंगा। कह रहा हूँ मैं कराने के लिए तैयार हूँ, क्या भाजपा उसकी प्रतिक्रिया में भारत में जातिगत जनगणना कराएगी? ठीक, अनिता अग्रवाल जी, बात वही जाति पर आ गई। फिर आ रहा हूँ परमवीर जी आपके पास, आपके लिए थोड़ा अलग सवाल है जी। देखिए आप, हम जब क्या कहते हैं, हम लोगों ने अपनी पार्टी में महिलाओं का आरक्षण टेबल किया कि नहीं किया सर? मैं अगर आपको लगता है अपनी पार्टी में शुरू करिए, मिसाल दीजिए, जैसे हम लोगों ने मिसाल दी है, हम महिलाओं का आरक्षण लेकर आए कि नहीं आए? उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी पार्टी में भी संसद के अंदर भी महिलाओं का आरक्षण करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। आप अपनी पार्टी की मिसाल तो दीजिए, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? और बाकी जहां रही बात, हमने खुद ही कहा है कि हमारे लिए चार वर्ग होते हैं, किसान भी उसमें से एक वर्ग है, गरीब भी एक वर्ग है, महिला भी एक वर्ग है, युवा भी एक वर्ग है। जातिगत जनगणना हो रही है, अरे जातिगत जनगणना जब जनगणना होगी, अब उसमें जातिगत हो या ना हो जल्दी से तारिक जी, फिर मैं आ रहा हूँ परमवीर जी आपके पास। अरे कैसी बात है, यादव जी हमारे पास आज के हैं, आज के हैं, वो पैकअप से पार्टी जनरेशन दिखाने का काम कर दिया। आप कैसी बातें कर रहे हमारे यहाँ? एक मिनट तारिक जी, जल्दी से प्लीज। अनिता जी एक एक करके प्लीज, एक मिनट तारिक जी प्लीज जल्दी। महिला होना दोनों बेनिफिट में होता है, सुन ले मेरी बात। अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तरीका बताइए, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं जातिगत जनगणना कैसे कराऊ? मुझे तरीका बता दे कोई सारे पैनल में, कैसे कराऊ जातिगत जनगणना? कैसे कराऊ? जैसे मैं चाहता ये हूँ, मेरी पार्टी की ये डिमांड है
कि जातियों की जनगणना हो जाए, जिसके हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जो ज्यादा बैकवर्ड है उसको आरक्षण और ज्यादा दे दिया जाए। तो ये फॉर्मूला आपके पास सत्ता में आने के बाद आ जाएगा फॉर्मूला आपके पास, मतलब कि जातिगत जनगणना कैसे करवाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है जातिगत जनगणना कराने का। और तो फिर इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना नहीं हुई? सर्वे हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट। तो मैं वही जानना चाह रहा था, आप सर्वे हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सर्वे हुआ है। नहीं मैं तो आप ही से पूछ रहा था, सरकार का अधिकार है जातिगत जनगणना। नहीं तो फिर ये सर्वे का काम तो आप जब सत्ता में तब करवा सकते थे, किसने रोका था? बिल्कुल करा सकते थे, बिल्कुल करा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि इससे पहले जब सत्ता थी तो धारा 370 तब क्यों नहीं हटाई थी इन्होंने? अच्छा तो मतलब अभी 370 वाला मसला आ गया, ठीक। आप 370 नहीं, एक मिनट तारीख, एक मिनट, मैं आपकी काबिलियत को बाखूबी जानता हूँ, जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब नहीं आएगा और आपने उसका जवाब नहीं दिया। मसला यहाँ पे जाटलैंड का था। एक मिनट परमवीर जी, देखिए मैं वैसे पूछता नहीं हूँ व्यक्तिगत सवाल, आज आपसे पता नहीं क्यों व्यक्तिगत सवाल पूछने का हौसला कर रहा हूं एक मित्र के तौर पर भी। परमवीर जी किस जात से आते हो भाई साहब? नाम तो परमवीर है जी। हाँ। और जाट हूँ। जाट हो, कहाँ के जाट हो जी? वेस्टर्न यूपी से, मेरठ से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट। ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ धनखड़ जी के साथ हुआ बुरा नहीं लगा जाटों को? लगा कि नहीं लगा? तिलक जी देखिए, राजनीति तो बहुत कुछ रंग दिखाती है। हाँ। और राजनीतिक रंग होते भी हैं, लेकिन बुरा लगना ना लगना वो मेरे व्यक्तिगत मत पर नहीं आता। हाँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से बुरा लगा, लगा। समाज के बाकी लोगों को। अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ करंट है? सर देखिए, जाट को ना, मैं आपसे बात छिड़ गई है तो मैं कहना करने नहीं चाहिए जाति की बातें, लेकिन अब बात छिड़ गई है। हाँ। जाट बड़ा समझदार होता है, शक्ल से बड़ा भोला होता है लेकिन दिमाग से बड़ा शार्प होता है वो। हाँ। इसी वजह से चौधरी चरण सिंह जी ने 1967 में जब इंदिरा गांधी जी पूरे चरम पर थी, हाँ। तब कांग्रेस छोड़ दी थी। और जो कुछ आज जगदीप धनखड़ जी के साथ होता है पार्लियामेंट में, उनकी मौकरी होती थी, मतलब बैठे हुए की सीरियसली ना लेना, की नेता ना मानना। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ। और उसके बाद से यूपी के बहुत बड़े क्षेत्रफल में जाटों का वर्चस्व रहा है राजनीतिक रूप में। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी हुए हैं, स्पोर्ट्समैन भी हुए हैं, मिलिट्री में भी होते हैं। हरियाणा में पिछले मनोहर लाल खट्टर जी से पहले लगातार जाट सीएम थे। स्थिति पंजाब में आज तक बनी हुई है, राजस्थान में भी बहुत बड़ा उनका राजनीतिक इन्फ्लुएंस रहता है। तो लाइटली तो लीजिए, और बीजेपी भी ये कार्ड खेल रही है। देखिये मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगा, बीजेपी कार्ड खेल रही है, ये कार्ड खेला जा रहा है। ये जो कार्ड है इसका असर दिखाई दे रहा है आपको? ये अपमान से जोड़ दिया मसला दिखाई तो देगा असर में। देखिए अभी बार बात हो रही थी कि भाई जगदीप धनखड़ जी कौन से गांव के, कितने किसान में खेतानी करते हैं, कहाँ खेती करते हैं। हाँ। तो सब ऐसा नहीं होता है, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, अब आप कितनी देर लाइब्रेरी में बैठते हैं? आप अपनी जर्नलिज्म की किताबें आपने कॉलेज में पढ़ी होंगी, मैं नहीं समझता आप आज सवेरे रिवाइज कर आए होंगे। या जो कोई सिंगर होते हैं, लता मंगेशकर जी है, वो रियाज करती है, तो उनसे पूछा जाए भाई कितने घंटे रियाज कर रहे हो? तो ये बातें बेतुकी होती है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से एक आदमी आया, वो गवर्नर रहा, वो लॉयर रहा, उसके बाद वो आज उपराष्ट्रपति है, लेकिन उनकी शुरुआत वो किसी राजा परिवार के नहीं थे, ना कोई राजनीतिक विरासत थी कि जिसका दामन पकड़ के। नहीं, चौधरी साहब के तो जयंती है, और अब सुनने में आ रहा है मूर्ति लगाने की तैयारी, और जयंत चौधरी को निमंत्रण भेज दिया गया, और यहाँ तारिक जी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं है। नहीं सर, ये तो देखिए राजनीति की क्या किस करवट बैठेगी, गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए। हाँ। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, जो कल तक दुश्मन होते थे। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो असर है, करंट है, इसका करंट है, स्वाभाविक है। जाट के बारे में तारिक जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर आ रहा हूँ एक मिनट परमवीर जी, बोलिए तारिक जी। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक जाट ने रोकर, आज एक जाट ने ही रोकर संन्यास ले लिया, पता है आपको? खिलाड़ी है वो, मुझे जो पता भी वो पता चलेगा आपको, पहले आप भूतपुरी सुनो, सुन लीजिए पहले। हाँ। मेरी बात। और जो किसान मरे किसान आंदोलन में, वो जाट नहीं थे, वो कोई और जाति से थे क्या? उनके लिए आंसू नहीं बहा ये जो है हमारे साथी बड़े भाई जाट, आंसू बहा आपका? आप आज गंडोलन कर रहे हैं कि बीजेपी ने गलत किया? आज कहिए यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है सैकड़ों किसानों के लिए। मैं भी कहूंगा कि धनखड़ के साथ गलत हुआ, कहिए पहले। वो किसान नहीं थे क्या? वो जाट नहीं थे क्या? बात जाटों की करेंगे, हम जाति की बात करते हैं, जाति हिंदुस्तान का सच है, जो न माने वो पाखंडी। ठीक परमवीर जी, देखिए साहब मैं बताऊं एक बात, लय में आकर किताबी शेरो शायरी करना आसान बात होती है, जो बेटियों का दो व्यक्तियों में विवाद होता है तो ऐसे तो देश का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा कि मेरी जाति के साथ ऐसा हो गया। जो बेटियों के साथ हुआ, या जो आज आप जिसका चेयर कर रहे थे, वो एक इलेक्शन हुआ है, एक इलेक्शन के जीतने के बाद किसी ने संन्यास लिया तो परेशानी रहती है सबको,
ऐसा नहीं कह सकते। एम वाई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, पीए, एक मिनट सुनिएगा साहब, देखिए मैं बहुत शांति सुनता आपकी बात। पीएडी बनाया जा रहा है अखिलेश यादव जी के बारे में, सुनिए साहब, देखिए ऐसा परेशान मत होइए। पीएडी, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, नए नए नाम लेकर ढोलकी बजाई जाती है इन चीजों की। तो ये चीजें सब, दामन किसी का साफ नहीं है, दामन किसी का साफ नहीं है, देश तोड़ने वाली बातें होती है। नया नया समीकरण बनाना, जगदीप धनखड़ जी के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जगदीप धनखड़ जी का नाम पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, एक उपराष्ट्रपति के पद का, पद की बात थी, पद के सम्मान की बात थी। धनखड़ जी ने जो भी कहा उसके पीछे उनकी भी एक माइंडसेट होता है, एक माइंडसेट, आदमी को जब आप किसी को नॉप करेंगे ना, नैगिंग कहते हैं, चम्मच से किसी को उधेड़ेंगे तो उसके अंदर से मवाद निकल आती है। तो वो जगदीप धनखड़ जी का जातीय गरिमा क्यों जागी, कैसे जागी, वो ही पहले बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता जो है ना, एक शेर पढ़ूंगा इसमें, फकत तेरे शहर से है बस इतनी सी लड़ाई कि मैं वो सर नहीं बनाता जो झुकना जानते हो। वो जिस बिरादरी से आती है वो झुकना नहीं जानती, जैसे उस साथ उबाल मार गई। लेकिन एक उपराष्ट्रपति होते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए था और इस चीज को लाइटली लेना चाहिए। ठीक, जल्दी से तारिक जी, फिर अनीता जी, पूरा वक्त आपको। किसानों पे कुछ नहीं बोले आप, किसानों पे, किसानों के बारे में, किसान केवल जाट नहीं होते हैं, मैं बोलता हूँ किसानों के बारे में भी सुनिए, किसान जो है कर्नाटक में भी है, किसान जो है यूपी में भी है, किसान जो है केवल जाट नहीं होते, बहुत सारे लोग भी होते हैं। अभी आप पंजाब के अंदर मैं तो पंजाब के जाट नहीं थे, तो उसमें 50-70-90 जाट नहीं थे। या तो जाति की बात करिए या तो मत करिए। अगर धनकर की बेइज्जती जाटों की बेइज्जती है तो किसान मर गया, वो जाट की बेइज्जती नहीं थी। वाह भाई वाह। तारिक जी, तारिक जी, ताली मत बजाइए, आप एक्टिंग करते हैं, मैं सवेरे शाम टीवी पे देखता हूँ उनको। रियली तारिक जी, ये ताली बजा कर ये परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ स्टेज पे कीजिए। क्या बात है एंकर महोदय, ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे लोगों की, जो मर गए वो जाट नहीं थे। अरे सुनिए तो सही, किसी की मिमिक्री हो गई, मैं कहता हूँ गलत हो गया, मगर वो जाट थे। ताली बजाना छोड़िए साहब, आप क्या हो गया, अरे भाई बोलने तो देंगे साहब। सुनिए जरा, सुनिए तारिक भाई, तारिक भाई ठंडे होकर सुनिए, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपके इंडिया अलायंस का पार्टनर है, तो वहां पर भी किसान सड़कों पर बैठा हुआ है जी, और जाट ही मुख्यमंत्री बनाया है। आप बीजेपी महेंद्र सिंह टिकैत, आप बीजेपी प्रो बीजेपी के कितना होंगे बड़े भाई, मैं कह रहा हूँ जो जाट बेचारे मर गए उनके लिए आप कह दीजिए वो जाट थे, भारतीय जनता पार्टी की गलती थी, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, क्योंकि उन्हें बहुत पहले किसान आंदोलन से उनको हटा देना चाहिए और तीन काले कानून वापस ले लेते तो वो 700 लोग न मरते, उस 700 में 40-50 जाट थे। मैं कह रहा हूँ आज कंडोलेंस कर दीजिए कि भाजपा जिम्मेदार है उन जाटों की वजह से, भाजपा की वजह से वो जाट मरे। मैं भी कहूंगा कि धनखड़ साहब जाट है, गलत है उनके साथ, मौत गलत नहीं है, किसी की बेइज्जती गलत है। वाह भाई वाह, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं साहब, सुनिए, ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा। महेंद्र सिंह टिकैत जी के सर में समाजवादी पार्टी की सरकार में सर फोड़ दिया गया था उनका, जरा आप बोलिए कि मुलायम सिंह यादव जी से गलती हो गई थी कि उनको सर नहीं फोड़ना चाहिए था, फोटो नेट पे मिल जाएंगी, जितनी जोर से ताली बजा रहे थे, जरा उंगलियां चलाइए मोबाइल के ऊपर, तो ऐसे कभी खत्म नहीं होगा, ये पीछे पहुंच जाएंगे 1947 तक, जरा घुमाइए उंगलियां। ठीक अनीता जी, एक बार अनीता जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, मसला अपमान का है, मसला किसानों का है, मसला जाट का है ना जी। मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूं आपको, इजाजत है? सुनाइए सुनाइए प्लीज, जरा कुछ बयान है और ध्यान से सुनिएगा और देश भी इस बयान को सुनेगा, प्लीज जरा प्ले करिए। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा
तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। प्लीज अनीता अग्रवाल जी स्क्रीन पर। अनीता अग्रवाल जी, आप एक महिला हैं जी, गुस्सा तो आया होगा कि नहीं? नहीं, गुस्सा आया वो अलग बात है, जांच है। साक्षी मलिक जानते ना आप? मैं आपको पर्सनली बात बता दूं, गुस्सा आया कि नहीं? नहीं, गुस्सा आया वो अलग बात है, लेकिन मैं भूषण सिंह जी की आपको एक बात बता दूं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र नेता थी और भूषण सिंह को मैं तब से जानती हूँ और उन्होंने हमें इलेक्शन में लड़ाया था। तो मैं एक बात को पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह चुकी हूँ कि भूषण सिंह जी जो एलिगेशन है मैं इसको सत्य नहीं मानती, क्योंकि मैं आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। अगर कोर्ट मानेगा तो फिर आप सबको मानना पड़ेगा। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। मैंने ब्रिजभूषण के करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा, मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप इसे किसी का अपमान मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, मैं इसको मैंने क्या ना, मैं व्यक्तिगत आपको बता रही हूँ कि मैं उस व्यक्ति को पर्सनल तब से 89-90 से जानती हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी छात्र नेता का इलेक्शन लड़ी थी उपाध्यक्ष का, और भूषण सिंह जी की लॉबी ने मुझे इलेक्शन करवाया था। उस समय ये कांग्रेस के नेता थे, ये भी सुन लीजिए, उस समय कांग्रेस के लीडर थे, मैं इनको तब से जानती हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है, साक्षी मलिक जाट है मैडम, हम जान रहे हैं साक्षी मलिक, हम उसका सम्मान करते हैं लड़की का, ऐसा जब क्या सत्य क्या सत्य आपके सामने है। लेकिन नहीं, मैं कोर्ट नहीं हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ, हम कोर्ट नहीं है, मैं भी कोर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, आप ये कह रहे थे कि ये जाटों का अपमान हो गया, तो ये बेटियां अगर सड़कों पर बैठी रही और आज तक वो मामला नहीं सुलझा, और आज वो कह रही है बेटी, सुनिए, वो जाट बेटी कह रही है, जाट शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खिलाड़ी की जात नहीं मानता हूं, आपने ये बात की थी, तो जाट आज 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 जाट खिलाड़ी कह रहा है कि मैं संन्यास ले रही हूं, आपको दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं दुख हुआ? एक क्यों नहीं दुख होगा? हम तो कह रहे हैं उसका उनको दुख है, लेकिन हम क्या आप जात की बात कर रहे हैं, हमने तो पहले ही कह दिया कि हम जात को जो कुश्ती को त्याग दिया, आप ये कह रहे हो ना, फिर तो मैडम ये तो मसला यही हो गया ना, कि आप अगर किसान बैठते हैं धरने पर उसमें जाट आपको नहीं दिखाई दिए, अगर 700 किसान अपनी जान गंवा देते हैं तब वहां पर जाटों की अस्मिता नहीं आई। हमारे प्रधानमंत्री ने बताया ना कि हमारे किसान ने, अच्छा ये बात बताइए, क्या किसानों के लिए हमने किया, क्या हमने उनका माफ नहीं किया? किसानों आज भी किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। एमएसपी चाहिए किसानों को, किसानों को एमएसपी चाहिए, कर्ज माफी नहीं चाहिए। एमएसपी को लेकर 2 साल बीतने के बावजूद भी कानून नहीं बना, उनकी कमेटी बनी है, उसकी कमेटी बनी है लेकिन कानून नहीं बना। कमेटी के साथ जब कमेटी बनी है, बैठ के बात होगी तो कानून भी बनेगा ना। आप मानते हैं कि आज एक बात तो क्लियर हो गई कि ब्रिजभूषण जीत गए और भारत की बेटियां हार गई? ठीक है, मैं ये नहीं कहती कौन जीता कौन हारा, हमें इसमें नहीं जाना, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर कोई गलत है उसको गलत कहना सीखे, कोई सही है उसको सही कहना सीखे। जहाँ तक मैंने कहा जो एक उनके विषय की मैंने कहा व्यक्तिगत, मैं जिस व्यक्ति को जानती हूँ उसके लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी ये बात बीच की राजनीति क्या है, कैसे क्या हुआ, इसके विषय में मैं नहीं जानती क्या हुआ कैसे। एक मिनट जेबा जी, एक मिनट प्लीज। लेकिन मैं आप ये कह रहे हो कि आपने उस लड़की का मैडम एक मिनट, वो कौन आपको चुनाव लड़वाया वो बात ठीक है, लेकिन वही शख्स अगर खड़े होकर बच्चों को कहे कि नक्कल कैसे मारी जाती है, मैं उस विषय में चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज विषय ये है, अगर जाटों की बात है, एक बेटी अगर रोते हुए कुश्ती को त्याग रही है और आरोप ये लगा रही है कि भैया गलत है, उसको हार नहीं माननी चाहिए, उसने गलत किया, उसको अच्छा हार नहीं, आप लड़ना चाहिए उसको, और कहेंगे मैं करूंगी इससे ना कुछ और करूंगी। अच्छा, उसको मोटिवेट कर, WFI के अध्यक्ष उनके खासम खास बन जाते हैं। आगे बढ़ो, ठीक जेवा खान, पहले आप तारिक जी एक मिनट जेवा खान, आपने भी तो अपमान किया ना, माफी मांगने में क्या दिक्कत है ना? अगर राहुल गांधी वीडियो बनाते और ना ये बवाल होता,
दिक्कत तो यही है कि इनकी सारी परेशानी जो है राहुल गांधी जी से है, कांग्रेस पार्टी से है, जिसने मिमिक्री किया उसकी चर्चा कम हो रही है, और किसने मिमिक्री किया इस बात ये बात कहीं छिप गई है, लेकिन दिक्कत इन्हें राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। नेता कौन है आपका? सामने लाया जा रहा। मैं एक सवाल और तिलक जी मैं पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से, बृजभूषण सिंह जी के जगह अगर कोई कांग्रेस का लीडर होता और साक्षी मलिक जी के साथ सेम घटना हुई होती तब भाजपा का रुख क्या होता? तो क्या कांग्रेस के सांसद ऐसे ही आराम से बाहर घूम रहे होते और साक्षी मलिक आज रिजाइन देती, आज कुश्ती छोड़ना पड़ता? ये भाजपा का दोहरा चरित्र क्यों है? देश के पार्लियामेंट को ये विपक्ष यानी उपराष्ट्रपति का अपमान जायज है? जेबाजी एक मिनट, यानी उपराष्ट्रपति का अपमान जायज है आप ये कह रही हैं? तारिक जी एक मिनट अब देखिए मसला एक मिनट अनिता जी, तारिक जी और जेबा जी दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा, आप एक मिनट। तारिक जी, अब इस पूरे विषय को अपमान से जोड़ दिया है बीजेपी ने, और जब जब इतिहास गवाह है बीजेपी ने अपमान से जोड़ा है तब तब बीजेपी ने जीत हासिल की है। उदाहरण कहीं आपके सामने मणिशंकर अय्यर के बयान, और तो अब इसे एक बार फिर से मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता जो अहम मुद्दे थे वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हो गए इस अपमान वाली कहानी में? आप एक बात बताइए मुझे कि मिमिक्री करना अपमान है? श्याम रंगीला लगातार एक एक्टर है, वो मोदी जी की मिमिक्री करता है लगातार, पेटेंट है, सुना होगा आपने, अपमान हो गया मोदी जी का। मोदी जी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी की एक्टिंग की, यू 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 करके जेल भेज दिया क्या मोदी जी को? प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR हुई थी? कपिल शर्मा शो, ये शो, फलाना शो, धमाका शो, फलाना शो, धमाका शो, स्कूल में मिमिक्री, यहां मिमिक्री, कॉलेज में मिमिक्री, मेडिकल कॉलेज में मिमिक्री, बंद कराइए, FIR कराइए, सबके खिलाफ कानून बनाइए। आप तो इस टाइम आपके पास कानून बनाने का अधिकार है, कई कानून अभी बदले, आपको पता है एक अजीब कानून इन्होंने बदल दिया, जो नई संहिता आई उसमें अब उसमें आर्डर ही नहीं, बोल रहे होते हैं अगर आपका बेटा आपकी नकल करता है आपको गुस्सा सब भी आ जाता है। अच्छा चुप जाइए, अभी सुनने को, इनको डाउन करिए भाई, देखिए आप गलत को गलत ले जा रहे हैं। सुन लीजिए और सुन लीजिए एंकर महोदय, गलत होता है एक आम सीरियस होकर किसी बात पे करिए, मजाक होती है भाई, सब लोग एक साथ बोलेंगे, फिश मार्केट नहीं है, आपके द्वारा एक्टिंग करता है, आपके सामने करता है, मजाक ऐसा तो गुस्से में करता है। मैं चुप जाता हूँ, आप बोल लीजिए, मैं चुप जाता हूँ, आप बोल लीजिए। अनिता जी एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। मेरी एक बहुत अहम बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो समझाना चाहता हूँ बहुत अहम बात है, आप सुनिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो बेटी है जो अब कहा उसने नहीं खेलेंगे कुश्ती नहीं करेंगे, वो ना महिला है और ना जाट है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के गलती से प्रेसिडेंट के लिए गलत शब्द निकल जाता है तो वो महिला हो जाती है। कोई भी महिला या कोई भी जाट, कोई भी प्रेसिडेंट क्या किसी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में रहेगा? उस पर्टिकुलर जगह पर वो जाट नहीं रहेगा,
वो महिला नहीं रहेगी। आप एक ही बताइए, ये नई तरीके की डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। आपको खराब लगा क्योंकि अगर एक बार कोई महिला है तो वो हमेशा महिला रहेगी, अगर कोई जाट है तो वो जाटी रहेगा। अरे आप उस पार्टी के अलका साहब वहाँ पर किसान बन जाते हैं और जाट बन जाते हैं, यहाँ एक बेटी वो महिला भी नहीं रही और जाट भी नहीं रही। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, गोलियां चलाते हैं वो क्या समझेंगे इंसान की। जाइए भाई, आप से बात नहीं हो रही है, मैं एंकर से बात कर रहा हूँ, आपस में बात कर रही हम लोग आपस में चलाए। आप चुपिए, मंत्री आप बनाए। अनिता जी एक मिनट, अनिता जी एक मिनट, अनिता जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, डेट करने वाले को आप अपना मंत्री बनाते हो। अनिता जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तारीख जी जल्दी से अपनी बात रखिए, पर हम जी आ रहा हूँ आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब परिस्थिति है आज हिंदुस्तान में। क्या एक्टिंग कर रहे हैं जैसे अब वो जज नहीं है? अगर एक्टिंग पे ऐसा मामला है, मैं कह रहा हूँ एक्टिंग कर दी उन्होंने, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। और अगर कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक्टिंग होती रही है। लालू प्रसाद यादव की एक्टिंग का एक पूरा का पूरा सीरीज है लगातार, लालू प्रसाद यादव की एक्टिंग की गई जगह जगह पे। तो लालू प्रसाद यादव ने FIR करा दी क्या? किसी को बंद करा दिया क्या? क्या मौके के हिसाब से हर चीज का फैसला लिया जाएगा? अब वो महिला नहीं रही है, अब वो जाट नहीं रही है, अब वो एक नॉर्मल की वहां पर चुनाव हुआ है और चुनाव से ब्रिजभूषण जीत गए हैं, वो जूता फेंक के अपना चली गई कि अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, ये भी नॉर्मल है। ये एक महिला की बेइज्जती नहीं है, ना जाट की बेइज्जती है। ये पता नहीं कोई एलियन बैठी थी वहां पर, वो औरत नहीं थी बेचारी। मुझे तो अफसोस होता है इस तरीके के हिंदुस्तान। ठीक, मैं परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन लाइव में कमेंट आया, तारिक जी पढ़ देता हूँ, बहुत बहुत देर से बार बार कमेंट आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अनिता जी एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी के नेता महिला अपमान की बात कर रहे हैं। एक मिनट, अनिता जी एक मिनट, अनिता जी ऑडियो ऑडियो, अनिता जी एक मिनट, जेबा जी शोर मत करिए। लाइव में कमेंट आया, कह रहे हैं कि आज अपमान याद आ रहा है, जब ये नारा किसने दिया था कि युवाओं से गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है। खैर, परमवीर जी, ये पूरा मसला आपको लगता कि वो सारे मुद्दे पीछे हो गए और अब एक अपमान का मुद्दा? हर बार तारिक जी सवाल गोल कर जाते हैं, जो मन की बात कहनी होती है वो कह देते हैं, लेकिन सवाल का उत्तर नहीं देते। मैंने आपसे पहले भी यह जानने की कोशिश की तो आपने कहा कि हां, जाट बेल्ट पर इसका असर दिखाई दे रहा है। तो अब जो अपमान का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो जो अहम मुद्दे थे जो अब तक विपक्ष सांसदों के निलंबन के मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहा था, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे? डेफिनेटली तिलक जी, देखिए अभी आपने ही एक बात बोली थी, बीजेपी बहुत अच्छी राजनीति खेलती है। जब भी अपमान का विषय उठा, चाहे वो मणिशंकर अय्यर जी के टाइम का था या आज उठाया, तो बीजेपी को चुनाव में लाभ मिला है उस चीज का। और नवस पे हाथ रखना, राजनीति असल मायने में तो यही है। ये आप एक बार बताइए, 1970 से बात करें, गरीबी हटाओ का नारा, ये क्या था? गरीबी हटी क्या 1970 से आज तक? क्या आज तक वही मुद्दे तो चलते आ रहे हैं हमारे, लेकिन चुनाव जीते जाते हैं इन मुद्दों के ऊपर। अभी बार बार बात आती है कि महिला का सम्मान, लड़कों से लड़के हैं गलती हो जाती है, ये सम्मान तो नहीं होता इस तरीके का, ये सम्मान तो नहीं होता। बार बार बात की जाती है कि किसी जाति से बात की जाती है कि हमें टारगेट नहीं करना, और जबकि देखा जाए तो सारी पार्टियां, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और बीजेपी को तो कहना चाहता हूं कि सारी पार्टियां करती है, किसी का दामन साफ नहीं है। कोई PAD बना रहा है, कोई MY फैक्टर है, ये लेकर कर्नाटक से जम्मू कश्मीर तक चलता है कि नहीं चलता था ये? तो ये पार्ट ऑफ भारतीय राजनीति का पार्ट है। बार बार बात आती है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है तब। अच्छा, ये एक दिलचस्प पहलू है परमवीर जी, समझना चाहिए। अब या तो यहां पर विपक्ष एकजुट हो जाएगा इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि एक साथ सभी सांसदों का निलंबन होता है, या फिर बैकफुट पर। क्या लगता है आपको कि इस कार्रवाई का असर क्या पड़ेगा? कि नहीं भैया अभी भी सब है, एक साथ हो जाओ, या फिर ये कि नहीं, देखिए कि मोदी जी तो रुकी नहीं रहे। तिलक जी देखिए, अगर विपक्ष ने जो इंडिया ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, उसमें कांग्रेस की सरपरस्ती जब क्षेत्रीय दल मना लेंगे तो एक सक्सेसफुल हो जाएगा। और अब आना तो मजबूर है, देखिए एक नीचे
लड़ते हुए शहीद होना अच्छा होता है बजाय कि बिना लड़े। तो अब लड़ते हुए जैसे नीतीश कुमार जी अपना हो सकता है कि अपना वो दिखा सकते हैं कोई तीसरा रंग भी उस चीज में कि लड़ते हुए शहीद, चुनाव में तो समय रहा नहीं है अब रणनीति। अब ये तो समय तब था कि अगर विपक्ष अपने कैंडिडेट तय कर रहा होता, अभी तो समन्वय ही चल रहा है। तो अब तो लड़ते हुए शहीद होना या जीत प्राप्त करना, हम क्यों बोले किसी उस बारे में, जीत प्राप्त करे या शहीद हो लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। और अच्छा ये रहता कि अगर एक साथ लड़े, क्योंकि बहुत सारे एरिया क्या ये घटना एक साथ मिला देगी तारिक जी? देखिए आपने जो सवाल पूछा पहले मैं उसका जवाब दे दूं कि नहीं, इन सब जो 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 ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है उससे ध्यान ये भटकाना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, पहली बात तो ये मैं मानता हूं। और ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है धर्म की बातें लाकर या इस तरीके की सम्मान की बातें लाकर वो जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, नुकसान होता है। ये सारे निलंबन विपक्ष को एक करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत जगह बची थी, निलंबन एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो सेल्फ गोल वाला मसला नहीं हो गया? सेवा जी हाँ जी, तिलक जी मैंने कहा सेल्फ गोल नहीं हो गया इस मसले पर? इस मसले से विपक्ष, मुझे जितना समझ आ रहा है कि विपक्ष और एकजुट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का बिल्कुल मजाक बन गया है। अभी तीन दिन में बहुत सारे बिल पास हुए हैं जो विपक्ष में सांसद, पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं और बिना विपक्ष से डिस्कशन के सारे बिल्स पास हो रहे हैं, यानी पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। और अगर विपक्ष आज भी एक नहीं हुआ तो आने वाला जो देश के लिए है बहुत खतरे की घंटी है। और ये दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अनीता जी को बहुत मौका मिल रहा है, जो बीच में बोल रही है अनीता जी को ऑडियो क्यों नहीं दो उसके साथ? आपको तो हर दिन गलत लगता है ना, एक सवाल है नहीं होगा क्या? अरे आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत क्यों बोल रही हैं ये बताइए? आप खुद लोग हंगामा करते हो, उसकी मन की बात करते हो, कांग्रेस के लीडर आप हंगामा भी करोगे, ऐसा बोलोगे भी तो गलत नहीं है। आप बताइए कि आप बिलों का विरोध कर दीजिए कि बिल गलत पास हुए हैं, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ अनीता अग्रवाल जी से। एक मिनट जेबाजी गुस्सा मत करिए, जेबाजी एक मिनट। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, ये सुना था आपने? शाह बानो केस, शाहबानू केस नहीं ना, फैसला सुप्रीम कोर्ट का था लेकिन राजीव सरकार ने पलट दिया था ना। खैर अनीता जी, चलते चलते एक क्योंकि लाइव में कमेंट आया, मैं वो सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे कि चलो अगर बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो जब बेटियां पदक लेकर आती हैं तब आप सब लोग कैमरे की फौज साथ में जाती है और सब फोटो खींचते हैं। आज एक बेटी ने रेसलिंग छोड़ दी, पदक लाने वाली बेटी ने, आज किसी को दुख नहीं हुआ? दुख क्यों? आज कौन फोटो खींच रहा है? आज महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? आज जाट का अपमान नहीं हुआ? हमने क्या कहा? बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मैंने कहा अगर मेरे साथ, मैंने उसको यही मोटिवेट करूंगी कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ के आना चाहिए। क्यों तुमने अपने आप को बैक कर रखा? अच्छा चलते चलते एक बात बता दीजिए, आपने कहा बृजभूषण को व्यक्तिगत रूप से भी जानती हैं, क्या लगता है आपको इस बार जीत जाएंगे? जीतेंगे क्योंकि देखिए बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि बृजभूषण सिंह जी को व्यक्तिगत, मैंने बताया ना 89-90 से जानते थे, वो कांग्रेस के लीडर थे। बृजभूषण चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है आप कह रहे हैं बृजभूषण चुनाव जीत जाएंगे, टिकट मिलेगी उनको? टिकट देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, आपने चुनाव पूछा, चुनाव अगर उनको टिकट मिले तो जीतेंगे जरूर। हाँ। लेकिन ये तो पार्टी संसद तय करता है किसको टिकट मिलनी है, किसको ने कोई ठीक है। ओके लाइव में कमेंट आया था इसलिए मैंने ये प्रतिक्रिया ली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, जेबा जी, तारिक जी और परमवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये सियासत है और सियासत के ना जाने अभी कितने रंग बाकी हैं। अभी देखिए 24 से पहले ना जाने ऐसे कितने मुद्दे सियासत की तस्वीर को भरने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।